तो गाइजर हमारा गेम ओपन हो रहा है, उसके बाद में एक न्यू और प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइज, कोई भी बटन हम लोग का काम नहीं करता। यहाँ पे रीडिंग गेम इन्फो प्लीज वेट ऐसे लिखा हुआ आता है। आप अगर गेम स्टार्ट करना भी चाहो, अगर उसमें क्लिक करो, जितना बार क्लिक करोगे उतना बार ये इन्फो लिखा हुआ आता है, मतलब की ये एरर आता है। ऐसे में गाइज मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मेरे कुछ दोस्तों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे गाइज ये एरर आने के बाद आप सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बाकी कोई सा भी पेज को खोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हो इवेंट पेज पे आया हुआ हूँ, इसको खोल रहा हूँ तो वो आसानी से खुल रहा है, लेकिन भाई मैं गेम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट पेज पर क्लिक करने के बाद रीडिंग गेम इन्फो प्लीज वेट ऐसे करके लिखा हुआ आता है और इस तरह से हमारा गेम ओपन नहीं हो रहा है। ऐसे गाइज अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। इस प्रॉब्लम का आज आप जानोगे परमानेंट सोल्यूशन, और ऐसा प्रॉब्लम अगर बाई चांस भविष्य में कभी भी आए तो आप उसका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हो। तो ओके गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके तो ओके गाइस, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कोई सा भी नेटवर्क यूज कर रहे हो उस नेटवर्क को चेंज कर लो और कोई दूसरा नेटवर्क यूज करो। बोलने का मतलब है अगर आप जियो सिम यूज कर रहे हो तो आप एयरटेल यूज करो, और एयरटेल यूज कर रहे हो तो जियो यूज करो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाई चांस ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप किसी और से वाईफाई कनेक्ट कर लो, उसके बाद गेम को स्टार्ट करो, आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, ये दोनों सोल्यूशन करने से पहले एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन जरूर से कर लेना, इतना करने से ही आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम नेटवर्क के वजह से ही होता है। तो आई होप कि गाइज आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। मैं मिलता हूं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।